आज अप्रैल माह की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूरे महीने में किए गए कार्यों को, अपराध पर नियंत्रण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसकी समीक्षा की गई है, कितने मामले हुए, किस उस पर क्या क्या प्रभावकारी तरीके से कार्रवाई हुई, शराब को लेकर के कितने अभियान चला है, करीब हम लोगों ने 2200 लीटर शराब बरामद किया है ट्रेन से, और इसमें करीब 140 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। और इसमें सभी थानाध्यक्षों को सभी स्टेशन परिसरों पर विशेष रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। कई स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड की मदद से, HHMD की मदद से भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सेंसिटिविटी और बढ़ा दी गई है, अलर्टनेस और बढ़ा दिया गया है। विशेष टीम, विशेष दस्ता हर एक जगह मौजूद रहेगा, ताकि रेल यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और उनके जानों माल की रक्षा के लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं। जो शराब के कैरियर हैं, जो कैरियर करके ला रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि उसके मामले में कमी नहीं, गिरफ्तारियाँ तो हो रही है, लेकिन वो कैरी करके ला रहे हैं। कैरी करके लाने वाले मामलों में लगातार कार्रवाई हो रही है। जैसा मैंने बताया, कुल हम लोगों ने इस बार 140 गिरफ्तारियाँ की हैं, तो इसमें जो है और अभियान में तेज़ी लाई जाएगी। और इसके जो कई मामलों में देखा गया कि लावारिस छोड़ के भाग जाते हैं, तो उन सब पर भी चिन्हित किया जा रहा है, सहयोग लिया जा रहा है और आसूचना इकट्ठी की जा रही है। तो जैसे इसमें सूचना मिलती है और इसमें कार्रवाई, हम लोग और तेज़ी लाएंगे।